नमस्कार, चाणक्या आई एकेडमी में आपका स्वागत है। तारीख 5 जुलाई 2021, स्थान महाराष्ट्र विधानसभा माहौल काफी गर्म क्यों क्योंकि दो ऐसे बिल थे जिसमें से कि एक मराठा आरक्षण से संबंधित और दूसरा स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण देने से संबंधित बिल इन दोनों बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने कहानी की शुरुआत तू तू मैमे से होती है और इसकी पराकाष्ठा होती है जब दोनों पक्ष हाथापाई पर उतर आते हैं विधानसभा की कार्रवाई को रोक दी जाती है और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो अपने कमरे में चले जाते हैं कहानी यही नहीं रुकती विपक्ष के कुछ सदस्य प्रजाइडिंग ऑफिसर के कमरे में जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो वहां पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं और धक्का मुक्की करते हैं यह जो घटना घटी इस घटना के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है और इस रेजोल्यूशन के पास होने के साथ बीजेपी के बारह विधायकों को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया जाता है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है वह भी एक साल के लिए और यहां पर जो 12 बीजेपी के विधायकों को निलंबित किया गया वह भी ध्वनि मत के आधार पर बीजेपी के 12 विधायक सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने याचिका दी इस निलंबन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा कि आपका आधार क्या है याचिका देने का तो उन बारह विधायकों ने जो बात कही उसे जरा ध्यान से सुनिएगा उन्होंने यह बात कही कि हमें जो विधानसभा से निलंबित किया गया है उसमें नेचुरल जस्टिस का ध्यान नहीं रखा गया नेचुरल जस्टिस का सीधा अर्थ यहां पर यह है कि दोनों पक्षों को सुना जाए तो उनका यह कहना है कि यह निर्णय मनमाना है और एक तरफा है और सत्ता पक्ष के द्वारा जान विपक्ष से दुश्मनी निकाली जा रही है उन्होंने कुछ आधार दिए जरा उन आधारों पर गौर कीजिए उन्होंने आधार यह दिया कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स फिफ्टी थ्री उसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि विधानसभा के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार केवल और केवल विधानसभा के अध्यक्ष को है और महाराष्ट्र विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां तो अध्यक्ष है ही नहीं वहां सदन की कार्रवाई प्रोजाइडिंग ऑफिसर से चलाई जाती है क्योंकि फरवरी 2021 से विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली है तो पहली बात तो ये कि जिस कानून का बीजेपी के इन बारह विधायकों ने हवाला दिया उसके अनुसार कि उनको जो निलंबित किया गया यह शक्ति तो विधानसभा अध्यक्ष को है प्रोजाइडिंग ऑफिसर को तो है ही नहीं और दूसरी बात यह कि जब किसी भी सदस्य को विधानसभा से निलंबित किया जाता है तो इसके लिए ध्वनि मत का सहारा नहीं लिया जाता मतलब वॉइस वोट का सहारा नहीं लिया जाता है, मतलब है। बजाबते इसके लिए मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है वहीं इस नियम तिरपन या रूल फिफ्टी थ्री के अनुसार अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य को निर्देश दे सकता है कि अगर उसका व्यवहार विधानसभा के कानून नियम या रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर वो विधानसभा ना आए और यहां पर यह कि अगर मान ले कि दोबारा हुआ ऐसा कार्य करता है तो ठीक उसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष उस सदस्य को यह आदेश दे सकता है कि जो आपका निलंबन है वह निलंबन जो सत्र चल रहा है अब सत्र कोई भी हो चाहे वो बजट सत्र हो मानसून सत्र हो शीत सत्र हो तो जो सत्र है उस सत्र के शेष दिन के लिए होगा मतलब कुल मिलाकर यहां पर बात क्या हो रही है बात यह हो रही है कि अगर किसी भी विधानसभा के सदस्य का निलंबन किया जाता है तो उसमें शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष को है एक बात और दूसरी बात कि जो निलंबन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें निलंबन की अवधि कितनी है निलंबन की अवधि सत्र के बीच में ही कुछ दिनों के लिए और अगर दोबारा इस तरह की कोई घटना घटती है तो फिर उसी सत्र में जितने भी शेष दिन हैं उसके लिए या उतने दिन के लिए निलंबित किया जाता है अब यह तो हुई बीजेपी के उन बारह निलंबित विधायकों के अपने अपने तर्क अब जरा बात करते हैं उनकी मतलब महाराष्ट्र सरकार की कि आखिर उन्होंने इन बारह विधायकों के निलंबन के पीछे का क्या तर्क दिया है जरा इन तर्कों पर गौर कीजिए तर्क यह दिया गया है कि यह जो निलंबन की प्रक्रिया अपनाई गई है वह निलंबन की प्रक्रिया विधायी शक्ति के अधीन है मतलब ये कि यह लेजिस्लेटिव पावर है और फिर उन्होंने एक संविधान के अनुच्छेद का हवाला दिया वह अनुच्छेद है अनुच्छेद दो अनुच्छेद दो के अंतर्गत यह बात कही गई है कि विधायिका की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी घटना घटित होती है वह जांच का जो क्षेत्राधिकार होगा वह न्यायपालिका के पास नहीं है संक्षेप में न्यायपालिका के पास यह क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह विधानमंडल में होने वाली किसी भी घटना पर अपनी जांच कर सके या उसकी वह जांच कर सके अब हम बात करते हैं दूसरे अनुच्छेद 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 की। वह जो कि सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संपन्न है जरा मैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जिसका उल्लेख संविधान में है। अनुच्छेद एक के अंतर्गत यह बात कही गई है कि सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों के माध्यम से ही निलंबित किया जा सकता है अब इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ यह है कि किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग केवल विधानसभा के नियम तिरपन के माध्यम से ही किया जा सकता है तो महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी के इन बारह निलंबित विधायकों को लेकर जो उसके पीछे की जो उन्होंने तर्क दिए उसके अनुसार कि उनका निलंबन सही है उचित है कानूनी है और संवैधानिक है अब हम ये देखते हैं कि इन 12 विधायकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि इन 12 एमएलए के निलंबन से एक वर्ष तक वे विधानसभा में अनुपस्थित रहेंगे इससे यह होगा कि इन 12 विधानसभा क्षेत्र के लोग बिना प्रतिनिधित्व के रहेंगे और यह जो व्यवस्था होगी यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 190 का उल्लेख किया क्या है 190 में उसके अनुसार अगर 60 दिन की अवधि के लिए बिना सदन की अनुमति से सदन से अगर सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को खाली कर देगा फिर आगे सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 151 ए की।, की बात की इसमें बाय इलेक्शन या उपचुनाव की बात कही गई है जिसके अनुसार किसी भी विधानसभा या जो संसदीय क्षेत्र है उसकी सीट खाली होने की तिथि से छह महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ यह है कि कोई भी क्षेत्र चाहे वो विधायिका से संबंधित क्षेत्र हो या संसद से संबंधित क्षेत्र हो छह महीने से ज्यादा बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रहेगा इसका अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि एक वर्ष तक एमएलए का जो सस्पेंशन है वह केवल विधायक को दंड नहीं देता है बल्कि उस विधायक से संबंधित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी दंड देता है इसका मतलब यहां पर यह है कि विधानसभा के द्वारा इन 12 एमएलए के सस्पेंशन से संबंधित जो निर्णय लिए गए हैं वह संवैधानिक रूप से उचित नहीं है और यह कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड की स्थिति पैदा करता है मतलब संवैधानिक शून्यता की स्थिति पैदा करता है अब रही बात इसकी कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधायिका की प्रक्रिया की जांच कर सकता है या नहीं कर सकता है तो जो संविधान विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार न्यायपालिका विधायिका के किसी भी उस कार्य की जांच कर सकती है जो असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अब जब वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसमें हम एक और चीज को जोड़ते हैं वह यह है कि सांसदों के निलंबन की अवधि के संबंध में आखिर क्या क्या प्रावधान है क्या नियम कहता है तो रूल्स ऑफ प्रोसीज्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के रूल 373 सेवेंटी थ्री 374 एंड 374 ए इसके अनुसार सांसदों का निलंबन हो सकता है कब तब अगर उनका व्यवहार संसदीय आचरण के अनुकूल नहीं है वे संसदीय कानून का उल्लंघन करते हैं या जो सदन की कार्यवाही हो रही है जो प्रोसीज्योर चल रहा है उसमें वो बाधा उत्पन्न करते हैं अब यहां पर यह है कि सांसदों का निलंबन कितनी अवधि तक हो सकता है तो उसके लिए यह बात कही गई है कि पांच लगातार बैठक जो सिटिंग हो रही है सेशन में उसकी या जो सेशन चल रहा है उसके शेष दिन के लिए और उसमें भी शर्त यह है कि दोनों में से जो कम हो उतने ही निलंबन की अवधि होगी सांसदों की वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के रूल 255 और 256 इसमें सांसदों के निलंबन अवधि की जो बात कही गई है उसके अनुसार निलंबन जो सेशन चल रहा है उसके शेष दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता है तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा बीजेपी के जिन बारह सांसदों को निलंबित करने संबंधी संकल्प को पारित किया गया था और उस संकल्प को सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया निर्णय आए थे उससे संबंधित हमने एक व्याख्या की है इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं आप हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए धन्यवाद Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.